हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी साइंस पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर टू कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो चैप्टर टू कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो ये चैप्टर अब आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। चैप्टर वन हम लोगों ने खत्म कर दिया था। तो अब देखिए, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे फूड में, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट किसे कहते हैं? जैसे चपाती हुआ, चपाती किससे किससे बनता है? चपाती के लिए आटा चाहिए, वाटर चाहिए ना। तो आटा और वाटर जो है ना, ये दोनों इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इंग्रेडिएंट समझ में आया, इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? तो चलिए, और इस कंपोनेंट्स ऑफ फूड का हिंदी बता देता हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसका हिंदी होगा भोजन के तत्व। भोजन के तत्व, कंपोनेंट का हिंदी होगा तत्व। तो देखिए, इंग्रेडिएंट जो होते हैं ना, इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना, वो अपने अंदर कोई, जैसे अपने अंदर कुछ फ्रेंड्स, ये जो होता है ना, ये इंग्रेडिएंट अपने अंदर कोई कंपोनेंट्स स्टोर करके रखता है, उसे न्यूट्रिएंट कहते हैं, जिसका हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। और वो मेन न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्या मिनरल्स? तो इसमें मेन क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल। तो प्रोटीन, हम प्रोटीन का फंक्शन जान लेते हैं। प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? जो प्रोटीन है वो हमारे ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। प्रोटीन हमारा ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है। जो हम ग्रोथ करते हैं उसके लिए प्रोटीन जरूरी है। तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। किसको कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि ये प्रोटीन जो होता है ना, हमारे ये क्या कहते हैं, हमारे हाइट के लिए इसेंशियल होता है, ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है। प्रोटीन हो गया आप कार्बोहाइड्रेट, हमें कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। क्या? कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट, फैट भी एनर्जी गिविंग फूड ही है, एनर्जी गिविंग फूड ही है। जो फैट है ना, वो भी एनर्जी गिविंग फूड ही है, ये क्योंकि ये भी हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, पर कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी फैट देता है। ठीक है, फैट भी समझ लिया। फैट के बाद है विटामिन्स, विटामिन, विटामिन हमारे जैसे आईज और स्किन को हेल्दी रखने के लिए जरूरी होते हैं, और डिजीजेस से लड़ने के लिए विटामिन जरूरी होते हैं। और मिनरल्स, हमारे जो गम होते हैं ना, ये हमारा गम और टीथ, बोन्स, इन सब के लिए मिनरल्स जरूरी होते हैं। तो इन सब के सोर्स भी देख लेते हैं। प्रोटीन फिश, मीट, मिल्क, पनीर,
प्रोटीन के सोर्सेस है, प्रोटीन, ये सब प्रोटीन के सोर्सेस है, ये सब फिश मीट मिल्क पनीर इत्यादि, ये सब किससे सोर्सेस है, प्रोटीन के सोर्सेस है, ये सब प्रोटीन के सोर्सेस है। अब प्रोटीन, अब इसके बाद फैट की बारी है, फैट, फैट के सोर्सेस हैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, उसके बाद सनफ्लावर ऑयल यानी सनफ्लावर का तेल, उसके बाद ये सारे किसके एग्जांपल, किसके एग्जांपल्स है, किसके सोर्स है, फैट के, किसके सोर्स है, फैट के, ये सब फैट के सोर्स है। अब इसके बाद तेल का सामान, जितना भी तेल का सामान है वो सारा फैट का सोर्स है, और सेम फैट के सोर्स के सेम कार्बोहाइड्रेट का भी सोर्स है, पर कार्बोहाइड्रेट का अलग सोर्स है, एक देखिए पपाया, पपाया हो गया, मैंगो हो गया, शुगर केन हो गया, शुगर मेलन हो गया इटीसी, ये सब किसके सोर्सेज हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट और फैट के सोर्सेज सेम है, जैसे और ऑयल लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका कार्बोहाइड्रेट का ऑयल भी लिख सकते हैं, हो गया कार्बोहाइड्रेट भी, और इसका कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स किसमें मिलता है जानते हैं, वो पोटैटो में मिलता है। और विटामिन और मिनरल्स के सोर्सेज होते हैं रेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और देखिए फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल भी क्या कहते हैं, विटामिन और मिनरल्स के सोर्सेज हैं, और भी विटामिन एंड मिनरल्स के सोर्सेज हैं, पर वो टाइप देखेंगे तब होगा, पर अभी हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया है, तो अभी हम लोग कुछ और नहीं। तो विटामिन और मिनरल्स हो गया, और हमारा डाइट में दो और ऐड कर लेते हैं, वाटर और रफेज क्यों, रफेज को डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं, डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर और वाटर, इन दोनों का भी जरूरत हमारे बॉडी को होता है। तो यहाँ पे ही अपना चैप्टर खत्म करते हैं, सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सब कुछ। सो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया तो, और शेयर बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।